व्यवसाय में कोई बड़ा नुकसान होने से कैसे बचाए, कैसे एक व्यापारी को पहले से सतर्क रहना चाहिए। हर व्यापारी चाहता है कि उसके बिजनेस में नुकसान की जगह सिर्फ मुनाफा हो, इसके लिए वो हर संभव कोशिश भी करता है, लेकिन कभी कभार कुछ गलतियाँ या कुछ गलत डिसीजन की वजह से बिजनेस में भारी नुकसान होता है। ऐसे में आज का ये वीडियो उन सभी व्यापारियों के लिए है जो अपने बिजनेस में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं उठाना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि व्यवसाय में कोई बड़ा नुकसान होने से कैसे बचाएं, यानी द राइट वे टू प्रोटेक्ट द बिजनेस फ्रॉम लॉसेस। एक अच्छे उद्यमी को अपने बिजनेस को सफलता की तरफ ले जाने और विभिन्न प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। नंबर वन, बिजनेस के लिए सही योजना बनाएं। मेक द राइट प्लान फॉर बिजनेस। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सफलता की ऊंचाइयों को छुए और आपको किसी तरह का नुकसान ना हो, तो इसके लिए आपको एक अच्छी सी योजना तैयार करनी होगी और उसी के अनुसार अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना होगा। अपनी योजना के अंतर्गत आप ये निर्णय लेंगे कि आप अपने बिजनेस में जितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस हिसाब से आपको कितना प्रॉफिट होना चाहिए। वहीं आप अपनी योजना में बिजनेस की सही लोकेशन, ऑफिस में काम करने वाले कुशल कर्मचारियों को चुनेंगे, साथ ही बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली मशीनों या सामग्रियों आदि का डिसीजन भी लेंगे। ये तो बात हुई बिजनेस शुरू करने से पहले योजना बनाने की, लेकिन अगर आपको बिजनेस शुरू करने के बाद बिजनेस के बीच में किसी तरह का घाटा होता है, तो आप उस समय अपनी बनाई गई योजना को देखें और ये जानने की कोशिश करें कि आपसे गलती कहां पर हुई है जिससे कि आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है। नंबर टू, सही स्टाफ का करें चुनाव। चूज द राइट स्टाफ। आप अपनी कंपनी के लिए ऐसे कर्मचारियों या स्टाफ को चुनें जो कुशलता के साथ अपना काम करें। अपनी कंपनी या ऑफिस में एम्प्लॉयज की भर्ती करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जिसका आप सिलेक्शन कर रहे हैं वो आपके द्वारा निर्धारित की गई सैलरी में आपको क्वालिटी काम करके दे और आपकी कंपनी को आगे बढ़ाने और नई तकनीकों को इस्तेमाल करने का हुनर रखता हो। इसके अलावा आप अनुभवी स्टाफ को अपनी कंपनी में नौकरी पर रखकर अपने बिजनेस को सफल बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे भी बच जाएं और आपका काम भी हो जाए, तो आप अपनी कंपनी में नए इंटर्न्स को रख सकते हैं जो आपका काम बहुत कम सैलरी या फिर बिना सैलरी के कर देंगे और अपनी नई सोच और नए तरीकों से अपनी कंपनी को सफल बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। नंबर थ्री, आधुनिक तकनीक का करें प्रयोग। यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अपने बिजनेस को ज्यादा फायदा पहुंचाने और उसे घाटे से बचाने के लिए आप आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करें। आज के इस बदलते दौर में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल बड़ी से लेकर छोटी कंपनी तक में होता है। ऐसा करने से न केवल पैसे बचते हैं बल्कि समय की भी बचत होती है। इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए कर सकते हैं। ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के द्वारा बिजनेस का प्रमोशन करना। इसके अलावा आप प्रिंटिंग में भी पैसे बचा सकते हैं, जैसे किसी भी चीज की हार्ड कॉपी लेने के बजाय उसको डिजिटल रूप में प्रयोग करना। इससे कागज वेस्ट नहीं होता और आपके पैसे भी बच जाते हैं। वहीं कुछ चीजों को कंप्यूटर पर टाइप करने के बजाय आप उन्हें इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे एडिट करके अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं। नंबर फोर, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का रखें ख्याल। टेक केयर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। आज के जमाने में ये बहुत जरूरी है कि आप अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का ज्यादा ख्याल रखें। और अगर आपके कर्मचारी बिजनेस के लिए कोई नया निर्णय लेते हैं, तो आपका ये कर्तव्य है कि आप उन्हें विभिन्न प्रकार के कानूनी खतरों से बचाएं। ऐसे में आप अपनी टीम में एक समर्पित स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिकारी को नौकरी पर रखने की सोच सकते हैं। आपकी कंपनी के कर्मचारियों की एक प्रसन्न और सुरक्षित टीम होने से कंपनी प्रोडक्शन बढ़ेगा और आपको फायदा होगा। वहीं अगर आपकी कंपनी में किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, तो आपके कर्मचारियों से मिलजुल कर अपनी सूझबूझ से उसका हल निकाल सकेंगे और आपकी कंपनी को घाटे से बचाने में भी सक्षम होंगे। नंबर फाइव, आउटसोर्स का करें इस्तेमाल। यूज आउटसोर्सेस। आजकल ज्यादातर कंपनियां आउटसोर्स का इस्तेमाल करके अपना काम करा लेती हैं। ऐसा करने से उनका कार्य तो पूरा होता ही है, साथ ही उनके पैसे भी बचते हैं। आजकल आउटसोर्स का रास्ता हर कंपनी अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए अपना रही है। वैसे देखा जाए तो आउटसोर्स करने के फायदे और नुकसान दोनों ही हैं, लेकिन अगर इसे सही प्रकार से किया जाए तो ये आपको काफी मुनाफा दिला सकता है और पैसे बचाने के साथ ही आपके बिजनेस को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज भी कर सकता है। नंबर सिक्स, बिजनेस की सुरक्षा का रखिए ध्यान। टेक केयर ऑफ बिजनेस सिक्योरिटी। बिजनेस की सुरक्षा का अर्थ है कंपनी या ऑफिस के हर भाग को कवर करना, यानी कस्टमर और कर्मचारियों की चोरी से बचाव करने से बार बार होने वाले नुकसान को आप रोक सकते हैं। वहीं ग्राहकों की सुरक्षा के लिए अपने ग्राहकों के डेटा की देखभाल करना भी बिजनेस सुरक्षा के अंतर्गत आता है।
क्योंकि हर साल साइबर अपराध में बढ़ोतरी होती जा रही है। ऐसे में हर व्यवसाय के मालिक के लिए ये कार्य बहुत जरूरी हो गया है। केवल ऑनलाइन और ऑफलाइन सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक होकर ही बहुत कुछ किया जा सकता है। अपने कस्टमर के डेटा को चोरी होने से बचाना आपकी कंपनी में विश्वास बनाने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। इससे न केवल आपके ग्राहक बढ़ेंगे बल्कि आपके सामान की भी बिक्री अधिक होगी। नंबर 7, अपने खर्चे कम करें और अपनी बिक्री बढ़ाएं। रिड्यूस योर एक्सपेंसेस एंड इंक्रीज योर सेल। जब आपको लगे कि आपका बिजनेस फायदे के बजाय घाटे में जा रहा है तो ऐसे में आप अपने खर्च को कम करने की कोशिश करें और अपने प्रोडक्ट की बिक्री को बढ़ाने का प्रयास करें। सही समय पर ऐसा करने से हो सकता है कि आपका बिजनेस घाटे में जाने से बच जाए। नंबर 8, प्रोडक्ट या सर्विस को ज्यादा दामों में बेचकर घाटे को कवर कर सकते हैं। यू कैन कवर द लॉसेस बाय सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ सर्विस एट अ हायर प्राइस। अगर आप चाहे तो अपने घाटे को कवर करने के लिए अपने प्रोडक्ट को अधिक दामों में बेच सकते हैं, लेकिन ऐसा करते समय आप इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के बजट के अंतर्गत ही बेचें। उन्हें ये एहसास नहीं होने दें कि आप उन्हें ज्यादा मूल्य में प्रोडक्ट बेच रहे हैं। प्रोडक्ट का दाम ऐसा रखें कि आपके नुकसान की भरपाई भी हो जाए और आपके कस्टमर को प्रोडक्ट महंगा भी ना लगे। नंबर 9, ऐसी संपत्तियां बेचें जो आपके उपयोग में ना हो। सेल असेट्स दैट आर नॉट इन योर यूज। यदि आपका बिजनेस लॉस में जाता हुआ देखे तो आप अपनी कंपनी की ऐसी संपत्तियों को बेच सकते हैं जो अब आपके काम की नहीं रही। ऐसा करने से आपको नुकसान की बजाय फायदा होगा। अधिक ग्राहक बढ़ाएं, इंक्रीज मोर कस्टमर्स। अगर आपको लगे कि आपका बिजनेस मुनाफे की तरफ जाने के बजाय घाटे की तरफ जा रहा है तो ऐसे में आप अपने ग्राहक की संख्या बढ़ाने का प्रयास करें। ऐसा करने से आपको नुकसान के बजाय फायदा मिल सकता है। तो क्या आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।